हेलो एंड वेलकम बैक टू दिवर चैनल द कंप्यूटर स्पाइडर। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल चैनल द कंप्यूटर स्पाइडर में। दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ एक फ़ोन की अनबॉक्सिंग जो कि मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन पे और वो आ गया है फाइनली। उसका बॉक्स मेरे हाथ में, मैंने बॉक्स खोल लिया है। एक्चुअली मैंने नहीं खोला, मेरे भाई ने जब रिसीव किया था पार्सल तो उसने खोल के देखा था कि इसके अंदर क्या है। मैंने उसको बोला था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल आएगा तो उसने ओपन करके देख लिया था। एक्साइटमेंट में उससे रुका नहीं जा रहा था। ठीक है दोस्तों, ये ओपन है ऑलरेडी तो हम निकाल लेते हैं इसके अंदर से बॉक्स। और ये है बॉक्स, वाओ बहुत सुंदर सा बॉक्स है, येलो कलर में है। और ये देख लीजिएगा रियलमी U1 इसके अंदर एक फ़ोन है। ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं इसको फोकस कर देता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे इसका ये रियलमी U1 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे भी देख लेंगे आप रियलमी U1। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ अगर लाइट में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि उतनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं है मेरे पास कैमरे की क्वालिटी। फिर भी मैं बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ये मेड इन इंडिया है। तो चलिए देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या निकलने वाला है और क्या इसकी प्राइसेस होने वाली है, क्या क्या इसके फीचर्स होने वाले इस फ़ोन के, मैं आपको सभी बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल तक। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, एक भी चीज़ मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों फिर इस बॉक्स को कर लेते हैं ओपन, इस बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। और ये हुआ ओपन, वाओ इसके अंदर से निकला है हमारे पास, इसके अंदर से हमारे पास निकला है फ़ोन। फ़ोन काफ़ी अच्छा है और इसको हम निकाल लेते हैं आराम से आराम से आराम से आराम से एंड आराम से। इसको रखा हमने एक साइड में एंड फ़ोन का कलर बहुत ही अमेजिंग कलर है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कलर लग रहा है। ये देखिए आप साइड से देख लीजिएगा, कैमरा, बैक पैनल, सब कुछ बहुत ही अच्छा है इसका फ़ोन का और बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी इतनी लाइटिंग नहीं है तभी भी उतनी शाइनिंग कर रहा है। ये देखिए शाइनिंग कितनी अच्छे से कर रहा है, लुक बहुत ज़बरदस्त है इस फ़ोन का, बहुत अच्छा फ़ोन लग रहा है मेरे को देखने में। अभी देखते हैं इसको कि क्या कुछ होने वाला है इसके अंदर। और इस बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या निकला है। अभी एक ये है, इस बॉक्स के अंदर शायद कुछ बोल रहा है, अभी पता नहीं क्या है, हो सकता है इसके अंदर, इसके अंदर वैसे कुछ नहीं है, खाली है इसके अंदर शायद। हाँ इसके अंदर वो पिन है, इसके अंदर वो पिन है, ध्यान से देखें अगर आप, इसके अंदर वो पिन है जिससे हम स्लॉट वगैरह निकालते हैं, इसका सिम स्लॉट निकालते हैं। उसके बाद ये मैनुअल जो कोई रीड करता नहीं है, हमने भी आज तक रीड नहीं किया जितने भी फ़ोन लिए। उसके बाद ये आता है इसका सुंदर सा एक कवर, वाओ कवर भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, ट्रांसपेरेंट कलर है कवर का, बहुत अच्छा कलर है, इसके अंदर खूबसूरत लगेगा ये फ़ोन लगने के बाद। हाँ ये बहुत सुंदर लगेगा इसके अंदर। उसके बाद देख लेते हैं, ये आता है हमारे पास चार्जर, और चार्जर होने वाला है रियलमी का। फोकस कर देता हूँ मैं, फोकस हो जा। हाँ ये रियलमी का चार्जर है, चार्जर तो काफ़ी बड़ा है। वैसे मैंने सुना ये चार्जिंग काफ़ी फास्टली करता है फ़ोन, दो घंटे में 100% कर देता है। माफ़ी चाहता हूँ मेरी वॉइस के लिए। हाँ ये चार्जर काफ़ी अच्छा होने वाला है, देखते हैं। अभी तो मैंने इसका टेस्ट वगैरह लिया नहीं है, बस सुना है इसके बारे में। ये मैंने फ़ोन एक्चुअली जो रियल में ऑर्डर किया है ये मेरी मम्मा के लिए फ़ोन है, मैंने उनको बताया नहीं है, बट मैं उनको बाद में बताऊँगा, सरप्राइज़ दूँगा। और फाइनली ये देख लेते हैं हम इसके अंदर जो है एक, हाँ ये पावर केबल ही है, USB केबल जिसे बोलते हैं हम। ये सैमसंग वाली है, मैं तो सैमसंग वाली बोलता हूँ, मुझे इसके टाइप का नहीं पता, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता सच में, मैं सी टाइप पता है, इसका टाइप मुझे नहीं पता क्योंकि ये अलग अलग तरह से आती है। ये इसमें इस तरह से चलती है, मेरा सैमसंग का जो फ़ोन है A7 जिससे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें दूसरा टाइप होता है। इसमें मतलब थोड़े से जो हैं ये इसके जो पिन होते हैं वो काफ़ी बाहर को होते हैं, बट हम मेरे सैमसंग के फ़ोन में ऐसा नहीं है। तो ये था फ़ोन, अब मैं इसके फ़ीचर्स की बात कर लेता हूँ, इसके अंदर फ़ीचर्स क्या क्या होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर लेता हूँ इसको ऑन कर लेता हूँ। वैसे दोस्तों मैंने इसको ऑर्डर किया था, ये है 4GB रैम 64GB रोम में, और इसका जो फीचर है, इसका जो ये फ्रंट कैमरा होने वाला है, ये होने वाला है 25 मेगापिक्सल, और इसके अंदर दो कैमरे दिए गए हैं, एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा है प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड होने वाला, दोनों में पोर्ट्रेट मोड है, सेल्फी प्लस बैक दोनों में पोर्ट्रेट मोड है, खूबसूरत लुक है। इसकी जो बैटरी है 35mAh होने वाली है, बाकी जानकारी आपको गूगल पर मिल जाएगी, लेकिन जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है, वाओ इसकी जो बैटरी है अभी थोड़ी लो हो रही है, कनेक्ट टू द चार्जर लिखा हुआ आ रहा है, 20% से कम है इसकी बैटरी, और ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में देख लेंगे हम। अभी डोंट रन ऑन कर देता हूँ मैं बाकी फ़ीचर्स, और ये ऑन हुआ है तो काफ़ी सुंदर सा लग रहा है, सुंदर सा लग रहा है, इसकी थीम वगैरह काफ़ी अच्छी है। और अमेज़ोन के ऐप्स, कुछ ऐप्स जो इसमें पहले से ही प्रीलोडेड किए गए हैं, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कलर OS है, और बाकी फीचर आपको इसके गूगल पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये फ़ोन मुझे, अभी मैं इसकी जो वीडियो बनाऊंगा बाद में इसको यूज़ करने के बाद, कि इसका बैटरी बैकअप कैसा है और इसके कैमरे वगैरह के फीचर कैसे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एंड हाँ प्लीज़ यार
देखो मैंने वीडियो बनाई है, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बस हाँ मैंने ये वीडियो बना दी अनबॉक्सिंग के लिए कि हाँ मेरे पास आया है फ़ोन, और ये इसीलिए बना दी। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा नहीं लगता ना तो प्लीज़ वो मर्ज़ी है आपकी कि लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, नहीं करना, बट अगर आप आ जाते हो तो यार एक बार सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।